ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ଗୌରବିହାର ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଅଖିଳ ଉତ୍କଳ ମଠ ମହାଧୀଶଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଯୋଗଦେଇ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଆତ୍ମମନ୍ଥନ ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। भगवान कृष्ण ने प्रभु जगन्नाथ जी ने जो गीता ने लिखा उसको एक शब्द में चैतन्य महाप्रभु ने बताया और वो बताया अचिंत्य भेद अभेद इनकॉन्सीबल वननेस एंड डिफरेंस। क्या मतलब? हम इससे सहमत नहीं हैं विदेशों की फिलॉसफी से कि ऑल आर इक्वल, सब बराबर हैं। नहीं, हम कहते हैं ऑल इज इक्वल, हम एक हैं। बराबर में झगड़ा पड़ जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है। जब हम एक हो जाते हैं, अर्थात मैं और आप और मैं अलग नहीं हैं, हम दोनों एक हैं। अगर मैं आप में मेरे को देखूंगा तो झगड़ा नहीं होगा, आप मुझ में अपने को देखेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। आज विश्व में जितना झगड़ा चल रहा है वो इस आधार पर चल रहा है कि तुम हो, मैं हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये मैं और तुम की बात भुला दो, ये मैं और तुम दोनों गलत है, ना मैं हूँ ना तुम हो, तो फिर कौन है? उसके अंश हैं। विगत 39 वर्ष होगा यह संगठन विभिन्न पारंपरिक तथा सामाजिक कार्यकलाप को त्वरान्वित करी धर्मीय शास्त्रीय एवं सांस्कृतिक भित्तिभूमि को पाथेय कर समाज को उद्बुद्ध करने विभिन्न दिग उपर आलोकपात कर विभिन्न सांप्रदायिक आचार्य मान दर्शन आदि प्रतिष्ठा प्रशस्ति और प्रसार को गतिशील करने गुरुत्व दिया। उपदेष्टा मंडलीर महामंडलेश्वर महंत रामकृष्ण दास जी, जगद्गुरु रामानंदाचार्य, श्री स्वामी अरूपानंद महाराज प्रमुख उपस्थित थे। उक्त कार्यकारी कमिटर कर्मकर्ता सभापति भाव नेवलदास मठर महंत रामशरण दास जी, कार्यकारी सभापति राधाश्याम मठर महंत सुबलचरण दास, संपादक राधावल्लभ मठर महंत रामकृष्ण दास जी, कोषाध्यक्ष बलरामकोट मठर महंत रघुवीर दास जी प्रमुख उपस्थित थे। महामहिम राज्यपाल द्वारा 75 फुटर जो आम श्री चैतन्य महाप्रभु मूर्ति या तार जो अनावरण कार्यक्रम है एवं 38 वर्ष धरी जो आम अखिल उत्कल मठ मंदिर आदि सम्मेलन चलुला से फणी से बंद होता फणी बात्यारे एवं करोनारे करोना कार्यक्रम जो चली था ताप में बंद होता पुनर् नूतन भाव में से कार्यक्रम चली से आज से संघ सम्मेलन कार्यक्रम थिला से आज समग्र ओडिशावासी साधु संत महामंडल सर मैंने उपस्थित होकर ये कार्यक्रम को आज नहीं जगह गोटे एमती भाव में थी छुटिया ठू के बड़ होती आज सुबलदास महाराज प्रतिष्ठा और निजर उपदेष्टा और निज परिश्रम द्वारा ये स्थान किभली अमृत तुल्य हो जाए। मोर बंधु कहते ये स्थान में वर्तमान आज जो अखिल उत्कल आमर जो साधु अखिल आमर जो संघ तार आज नूतन भाव में या स्थिर भाव में कि स्वीकार करगला जगन्नाथ महाप्रभुकर असीम कृपा द्वारा आज गवर्नर आसिक पहुँची जो भाव में आम मान उत्साहित कले विराट बड़ महाप्रभु श्री चैतन्य जो मूर्ति उज्जीवित मैंने या अनावरण है एवं ताको जो आवरण कर समस्त देखे आम मैंने बहुत मानने आश्चर्य आपण मान निकट आपण मान जो मैंने आसिक कथा नौते बहुत बढ़िया कथा ये महाराज जाकि पहुँचले। हाँ महाराज जाकि पहुँचले तापर कहले गोटे करवा मुझे सब आश्रम जिते मूर्ति होती सबू कर मूलर आरंभ रु शेष पर्यटन ये चलती सेमती कहले मुँ कह हाँ करदेवि ये बड़ कर तो बोले हाँ करदेवि मो सान भाई ये सान भाई ये धरी सब ये कते आम ये 35 फुट से बहुत वातावरण भितर करोना समय हो जाटा फाइबर होटा 35 फुट हाइट्र मैंने टोटल पेडेस्टाल छाड़े 35 फुट पेडेस्टाल 10 फुट फाइबर मटेरियल सब लगला तांगे अन्न्य मटेरियल सब अच्छी
ଟଙ୍କାର କିଛି ଅଡ଼କଣ ନାହିଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।